क्या बात है भाई बड़े परेशान से दिख रहे हो क्या हुआ कुछ नहीं यार आज मुझसे सरकारी कार्यालय के एक कर्मी ने एक काम के एवज में रिश्वत मांगा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मुझे डर है कि शिकायत करूंगा तो मेरी पहचान हो जाएगी अरे भाई घबराने की नहीं है बात जब पीआई डीपीआई है साथ ये पीआई डीपीआई क्या है पीआईडीपीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाता संरक्षण संकल्प है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है मुझे पहचान के साथ शिकायत करने में डर लग रहा है अरे नहीं मेरे भाई पीआईडीपीआई के तहत शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है अरे ये तो बहुत अच्छा है मुझे इसकी पूरी प्रक्रिया जाननी है इसके अंतर्गत शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत एक निर्धारित प्रारूप में लिखकर अपने नाम पते के साथ बंद लिफाफे में केवल डाक द्वारा सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित कर भेजनी होती है और लिफाफे पर विशेष रूप से पीआईडीपीआई लिखा जाना जरूरी है पीआईडीपीआई के तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक पोर्टल या टेलीफोन से शिकायत दर्ज नहीं की जाती है और ध्यान रहे सभी शिकायतें केवल केंद्र सरकार के संस्थानों से संबंधित होनी चाहिए इसके साथ ही शिकायत में शिकायतकर्ता के निजी कारणों की पुष्टि नहीं होनी चाहिए क्या पीआईडीपीआई के अंतर्गत अपने संस्थान के भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है हाँ भाई केंद्र सरकार के संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मी अपने कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं भाई एक बात बताओ क्या मेरे द्वारा की गई शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है हाँ अगर आपकी शिकायत पी आई डी पी आई के तहत दर्ज होने की आहरता नहीं रखती है तो वो शिकायत आपको वापस कर दी जाएगी उसके बाद आपके पास त्रुटियों को सुधार कर पुनः पी आई डी पी आई शिकायत करने का विकल्प होता है <laughs> फिर तो मैं आज ही पी आई डी पी आई में अपनी शिकायत करूंगा बिल्कुल फिक्र की क्या है बात जब पी आई डी पी आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके साथ भ्रष्टाचार का विरोध करें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें